चार्जिंग इसको लगवा लिया करिए। कितने घंटे चार्ज होता है? गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने जब SSP रामलाल वर्मा पहुंचे तो बहुत सारी खामियां नजर आई। भीतर जाने वालों की चेकिंग के लिए लगे डोर मेटल फ्रेम डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे। जो सुरक्षा कर्मचारी हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर लेकर खड़े थे, बैटरी डिस्चार्ज होने से वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है। लापरवाही सामने आने पर लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ रामलाल वर्मा ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक दिन का वेतन काटने के लिए कहा है। जनपद में आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सभी जगह हमारे DFMD और HHMD यानी हैंडहेल्ड मीटर डिटेक्टर, डोर फ्रेम मीटर डिटेक्टर लगाए गए हैं। मीटर डिटेक्टर कितने कारगर हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए फिजिकल चेकिंग की गई। कई जगह तो कार्य करते हुए पाए गए, कई जगह उनकी बैटरी डाउन थी, इसलिए प्रॉपर वर्क नहीं कर दिया। इस संबंध में जो है जो CLI को निर्देश दिया गया है कि प्रॉपर उनको चार्ज करके और इनके HHMD और DFMD लगाएं, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉपर आज सही तरीके से उनको ठीक करवा लें और सही स्थिति में ये सभी काम करना चाहिए।